जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मैंने तभी समझ लिया था दैट रिजेक्शन इज वेब सीरीज मिलते मिलते नहीं मिली ऑडिशन सेलेक्ट होते होते आप सेट पे जाने के लिए रेडी हो बट यू नेवर गेट द कॉल जो मेरे लिए बना है वो मेरे लिए मिल जाएगा बट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट नो बट है वेन ऑडिशन कम अब तक आपको क्योंकि आ, अगर आप एक एक्टर एक है ना तो रिजेक्शन मतलब एक्टर ही क्या हर फील्ड में रिजेक्शन होते ही हैं बट जो एक्टर की लाइफ में ना ये रिजेक्शन का दौर बहुत ज़्यादा चलता है सो तो आभा ने कितना अब तक ये चीज़ें फे लाइक फेस की है मतलब प्रोजेक्ट हाथ में आने के बाद भी पता चलता है कि आप रिप्लेस हो गए हो कई बार ऐसा होता है कि आपके मुंह पर बोल दिया जाता है कि हाँ आप इस कैरेक्टर के लिए नहीं फिट हो जिसकी वजह से हम एक अलग ही ट्रॉमा में चले जाते हैं मतलब ओवर करने लगते हैं कि यार ऐसा क्या कमी हो गया है कि हमें नहीं मिल रहा है तो आभा के साथ कितना ये सिचुएशन हुआ है बहुत लाइक टू बी ऑनेस्ट बहुत बार ऐसा हुआ है कि बट जब मैं इंडस्ट्री में आई थी मैंने तभी समझ लिया था दैट रिजेक्शन इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री लाइक अगर आप यहाँ पे आए हो देर आर सो मैनी पीपल क्रिएटिवली आपको सब नहीं अग्री करेंगे आपको और आपके कैरेक्टर को तो यू हैव टू नो हाउ टू जस्ट कीप दैट एंड नॉट टेक दैट पर्सनली आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन लाइक आई लव आर्ट एंड आई ऑलवेज

तो दैट्स हाउ आई फंक्शन एंड आई थिंक दैट हेल्प्स मी डील विथ ऑल द रिजेक्शन्स बिकॉज इट हैज़ हैपन की वेब सीरीज मिलते मिलते नहीं मिली ऑडिशन सेलेक्ट होते होते आप सेट पे जाने के लिए रेडी हो बट यू नेवर गेट द कॉल सो ऑल दैट हैज़ हैपन एंड नाउ आई जस्ट थिंक लाइक इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस आई मीन इट्स अपोज टू हैपन टेक दैट पर्सनली एंड स्टॉप माई जर्नी दैट डजन हेल्प मी सो क्या इस लिस्ट में कोई बड़ा वेब शो शामिल है मतलब जो रिलीज़ होने के बाद काफ़ी हट हुआ हो जो आप बताना चाहें मतलब मैं नाम कोई चीज़ का नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज uh, जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा जो मेरे लिए बना है वो मेरे लिए मिल जाएगा बट या देवर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑल्सो एक्टर्स जब इस फिल्म में आते हैं और बैकग्राउंड तगड़ा नहीं होता है मतलब कि कोई हमारे गॉड फादर जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया तो कई बार ना कास्टिंग काउच वगैरह का भी शिकार होना पड़ता है तो आपके साथ कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़ेगा तो बट आपने उस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया बिकॉज ऑप्शन मिलता है अब तो लोगों को सो so, um... मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में नो बडी हैज़ अप्रोच्ड मी लाइक दैट नो बडी हैज़ सेट की यू वुड हैव टू डू दिस इफ यू वॉन्ट वर्क और ये वो सो एंड बिकॉज आई वोलसो मेंटेन माई पर्सनल अप्रोच इन अ वे दट आईव जस्ट गिवन ऑडिशंस एंड देन आई वेटेड फॉर कॉल बैक्स वेन समबडी हैज कॉल्ड मी एंड सेट की मीटिंग कर लो ऑडिशन नहीं है आई जस्ट डोंट बिलीव इन इट मुझे ऐसे लगता है कि अगर ऑडिशन के बगैर मुझे कोई बुला रहा है द पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी दैट ग्रेट एंड इवन इफ आई गेट दैट पार्ट I will not be as confident about myself. Yeah. So I always believe, ki audition mil jaye, audition dekhlo, then call me for the part. I also feel like ki what has happened has happened for the good. So I think it's because of that approach that I've never come across those people who would be like, ki you'll have to do this or that yeah. in order to get the part. बट uh, आपको ऐसा कॉल आया है कि मतलब बिना ऑडिशन ऑडिशन नहीं करना है और मीटिंग uh, के लिए हमने दोज काइंड ऑफ कॉल गॉटन लाइक वो डू कम एंड मीट दिस मीट हिम ये वो सो बट आई हैव नेवर गॉन एंड हैव ऑलवेज फेल लाइक कि वैन ऑडिशन कम्स एंड पर्सन सीज द माई ऑडिशन लाइक विथ संजय सर ऑल्सो आई गॉट द कॉल फॉर द ऑडिशन आई ऑडिशन एंड देन दे कॉल मी एंड एवरी थिंग वर्क डाउट